टाटा इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का कुत्तों से प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने कई बार इस बारे में बताया है। कुत्तों के लिए उनकी क्रेज या अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाटा ग्रुप्स के हेड ऑफिस बॉम्बे हाउस में डॉग्स के लिए अलग एक कमरा है। रतन टाटा एक ऐसा बिजनेसमैन है जो कंपनी लॉस को प्रॉफिट जैसा बदल सकता है और उनके कमाई के 95% इनकम को चैरिटी के लिए स्पेंड करने वाले महान व्यक्ति है। सिर्फ यही नहीं, अगर जरूरत पड़ा तो देश के लिए अपना पूरा वेल्थ 6 लाख करोड़ भी देने के लिए भी वो रेडी है। उनके महानता प्रकट करने के लिए सिर्फ ये बात काफी है। ऐसा महान व्यक्ति के साथ रहने के लिए कितना भाग्यशाली होना चाहिए। शांतनु नायडू 2014 में बीए कंप्लीट करके टाटा ग्रुप में एम्प्लॉई बन गया। 28 ईयर्स के शांतनु नायडू ने कभी यह नहीं सोचा था कि डॉग्स के प्रति रतन टाटा का प्यार एक दिन उन्हें अपने ड्रीम जॉब तक ले जाएगा। उन्होंने इसके बारे में हाल में फेसबुक पोस्ट में बताया है। एक दिन जब शांतनु नायडू ऑफिस खत्म होने के बाद घर वापस आ रहा था तो उनको एक स्ट्रीट डॉग एक व्हीकल टोकने से घायल दिखा और अपने फ्रेंड्स के हेल्प से उसको बचाया। तब उनको लगा कि पर डे ट्रैफिक में कितने डॉग्स ऐसा घायल हो रहे होंगे। उस वक्त उनको एक आइडिया आया जिसके कारण उनका लाइफ ही बदल गया। शंतनु नायडू अपने फ्रेंड्स के मदद से डॉग्स के लिए कॉलर रिफ्लेक्टर एक बेल्ट बनाया। ये बेल्ट डॉग्स पहनने से व्हीकल ड्राइवर कॉलर रिफ्लेक्टर की मदद से दूर से ही डॉग्स को देख लेंगे। शांतनु ने काफी बेल्ट तैयार करके डॉग्स को पहनाने से ये बेल्ट का डिमांड बढ़ गया, लेकिन बनाने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो गया। सोर्सेस की कमी के कारण ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाने की बात शांतनु ने अपने पिताजी को बताया। पूरा विषय जानकर शांतनु के पिताजी शांतनु को रतन टाटा को इस प्रोजेक्ट की जानकारी और हेल्प मांगते हुए लेटर लिखने के लिए कहा। करीब 2 महीने बाद शांतनु को बॉम्बे हेड ऑफिस बुलाते हुए रतन टाटा से रिप्लाई आया। शांतनु रतन टाटा से मिलने से दोनों को एक दूसरों को जानने का मौका मिला और डॉग्स पर प्रेम ये दोनों को फ्रेंड्स बना लिया। रतन टाटा शांतनु के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होने से शांतनु मोटोपॉस नाम से कंपनी शुरू करके अपने फ्रेंड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर विदेश में पढ़ने के लिए चला गया। शांतनु रतन टाटा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वहीं पर पढ़ा। विदेश जाने के बाद इन दोनों के बीच बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई, जितना कि शांतनु के ग्रेजुएशन डे के दिन रतन टाटा वहां जाकर शांतनु को सरप्राइज किए। रतन टाटा के हाथों से ही शांतनु ने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिया। बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रतन टाटा शांतनु को पर्सनली बुला के कहा कि वह शांतनु के काम से प्रभावित है तो उनके कंपनी में बिजनेस असिस्टेंट का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए पूछा। शांतनु नायडू को जवाब नहीं सूझा। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर फ्यू सेकेंड्स बाद कहा, Yes. See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.